नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना दिखाने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिर्फ फ्रंट का फोटो दिखाते हो, अपने डोनर एरिया का भी फोटो दिखाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी फर्स्ट कटिंग यहाँ पे करवा दी है। तो आप मेरे बाल देख सकते हो, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं। मैं आपको पूरी बालों की कंडीशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये मेरा यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था, वो ये वाला एरिया है, आप देख सकते हो। और पीछे घूम के मैं अपना डोनर पार्ट भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसी उसकी कंडीशन है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो आपने मेरा डोनर पार्ट भी यहाँ पे देख लिया, आप मेरी साइड्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा सा है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, क्योंकि ये QST क्लिनिक हरिद्वार से मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने करवाया था, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की कंडीशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और डाइट का आपने यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी अपने जंक फूड कुछ ऐसा चीज़ें यहाँ पे नहीं खानी है, हेल्दी डाइट खाइए। और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी किसी भी तरीके की मेडिसिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो फिनेस्ट्राइड हो, मिनोक्सिडिल हो, वो भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आपने भी यूज़ नहीं करना है। हर एक इंसान के बाल अलग अलग होते हैं, आपकी कंडीशन अलग अलग होगी। तो अगर आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो अनट्रांसप्लांटेड बाल हैं, जो ट्रांसप्लांट नहीं हुए, जो आपके ये वाले बाल, अगर इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लगता है कि ये झड़ सकते हैं, तो आपको जो इन्होंने मेडिकेशन दी हुई है क्लिनिक वालों ने, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते हो तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो आपके अनट्रांसप्लांटेड बाल है ये पीछे वाले, ये आपके झड़ सकते हैं। तो आपको कुछ फेंकने से यहाँ पे नज़र आएगी, आपको लगेंगे कि आपके फ्रंट के जो हेयर लाइन है बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते तो आपके ये वाले बाल झड़ सकते हैं। तो देखने में काफ़ी अजीब सा वो लगता है। तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि मेरा आपको हेयर ट्रांसप्लांट कैसा लगा, मेरी कंडीशन आपको कैसी लग रही है, कैसा है मेरा रिजल्ट, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और किसी भी तरीके का कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आप मेरे को ज़रूर पूछेगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे अगर आपने किसी तरीके का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं काफ़ी लोगों का वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी लोगों की वहाँ पे हेल्प भी मेरे द्वारा की जाती है। तो आपका भी अगर कोई प्लान है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं, तो शार्क टैंक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हमने अवीमी हेयर ऑयल का यहाँ पे आपको एक रिव्यू दिया था लेके परचेज करके, तो उसके बाद और भी ब्रांड्स यहाँ पे देखने को मिले हैं शार्क टैंक में, उनको भी हम परचेज करेंगे, उसका भी आपको रिव्यू देंगे। किस चीज़ का हेयर प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए वो आप मेरे को बता सकते हो, वो मैं चीज़ बाय करूँगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिव्यू दूंगा। अगर आपको ऐसा कोई रिव्यू चाहिए, कोई प्रोडक्ट आपको आपको लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, तो आप नीचे मेरे को बता सकते हो, मैं उसको बाय करने के बाद उसका रिव्यू आप लोगों को दे दूंगा। तो कैसा लगा आपको मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।